जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने के सपनों को जोर का झटका लगा है। राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने घाटी में पीडीपी, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के संभावित गठबंधन वाली सरकार बनाने की कोशिशों को जोर का झटका देते हुए विधानसभा को भंग कर दिया। हालांकि बीजेपी राज्यपाल के इस फैसले से बेहद खुश है, लेकिन सियासी जानकार इसे विपक्ष की एक चाल करार दे रहे हैं। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि क्या जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने की कवायद विपक्षी चाल थी? क्या कांग्रेस, एनसीपी, पीडीपी की चाल में फंस गई बीजेपी? सियासी जानकारों की माने तो इन तीनों दलों का सूबे की विधानसभा भंग कराने का प्लान था। दरअसल पीडीपी ने जैसे ही राज्यपाल सत्यपाल मलिक के पास राज्य में सरकार बनाने का दावा पेश किया, उसके कुछ घंटे बाद ही राज्यपाल ने विधानसभा ही भंग कर दी। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने गवर्नर को लेटर लिखकर समय लेने के बाद से ही खबरों और टीवी रिपोर्ट्स में इस तरह के दावे किए जा रहे थे कि गैर बीजेपी मोर्चा सरकार बनाने जा रहा है। इसके बाद राज्य में सियासी घटनाक्रम तेजी से बदलने लगे और अंत में राज्यपाल ने विधानसभा भंग कर दी। सूत्रों की माने तो तीनों पार्टियों का साथ आना, सरकार बनाने की कोशिश कम और राज्यपाल के साथ ही बीजेपी पर दबाव बनाने की कोशिश ज्यादा था। सूत्रों के मुताबिक इस पूरी कवायद के पीछे इन तीनों पार्टियों का मूल उद्देश्य भी विधानसभा भंग कराना ही था। बीते दिनों राज्य में हुए पंचायत चुनाव में वोटरों की भागीदारी के बाद क्षेत्रीय पार्टियों का आंकलन गलत साबित हुआ है। इसकी तस्दीक कांग्रेस के सीनियर नेता और राज्यसभा में नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद के उस बयान से भी होता है, जिसमें उन्होंने कहा कि अभी पार्टियों में बात भी नहीं हुई थी और विधायकों की बैठक बुलाई गई थी, लेकिन बीजेपी नहीं चाहती कि राज्य में कोई सरकार बने। आजाद ने कहा कि बीजेपी का तानाशाही रवैया फिर सामने आया है, अफवाहों से बीजेपी डर गई और विधानसभा भंग कर दी गई। आजाद ने कहा कि हम प्रदेश में चुनाव चाहते हैं, अगर इन दावों में दम है तो ये कहना गलत नहीं होगा कि विपक्ष की सियासी चाल में बीजेपी बुरी तरह से फंस गई है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।